लगे रहो मम्मी भाई लगे रहो। ये जो आपने 7 पुस्तों के बर्तन लाए हो क्या मम्मी? और ये सारे ही बर्तन धुलने हैं, मजा आ जाएगा आज तो। पीछे गाना चल रहा है इस वजह से रेसिपी नहीं शूट कर रहे हैं हम लोग। पापा भी यहाँ आ गए मदद कराने के लिए। इसमें कोई पानी नहीं क्योंकि ऊपर टंकी में ही पानी नहीं चढ़ता यार, तो कोई नहीं मोटर बंद करने चलते हैं। और ये देखिए मोटर चल रहा है, बंद कर देता हूँ। और इसके नोव को ना स्विच करना पड़ता, नहीं तो पानी भाग जाता है भाई। और यहाँ पर भाई कितने सारे लहसुन देख सकते हैं, और यहाँ पे सारा लहसुन मम्मी ने बांध बांध के रख दिया है। ये सूख जाएगा फिर ऐसे ही बन जाएंगे ये सारे लहसुन भी। इसमें थोड़े से लहसुन छोटे छोटे हुए हैं मेरे जो दिख रहा है। और बहुत जल्दी होम टूर भी आएगा, उसका इंतजार नहीं हो रहा होगा काफी लोगों से, काफी डिमांड वाली वीडियो है वो हमारी, है ना मम्मी? तो होम टूर बहुत जल्द आएगा। ये सब तैयारी होम टूर की हो रही है। पापा कुछ बैठने के लिए पीढ़ा ले आऊं? पीढ़ा ले आ रहा हूँ। ठीक है मैं तू सारा बर्तन वगैरह तो धुल गया है, अब इसको सेट करना बाकी है। ये सारा किचन उचन भी धो दिए हैं, ये बाहर तक धो दिए हैं, तो अभी भी सारा काम खत्म हुआ है। नीचे का सिर्फ किचन का बर्तन धोए हैं, उसमें पूरा टाइम लग गया, मतलब क्या बताऊं 3-4 घंटा लगा उसको साफ करने में। पूरा जगह सीमेंट सीमेंट हो गया है बर्तन में, और बहुत समय लग रहा घिसने में उसको साफ करने में। एक बार में लग रहा कि साफ ही नहीं होगा, तो जैसे तैसे साफ कर दिए हैं। फिर नहा ली हूँ, अभी मैं थोड़ा सा भूजा खाऊंगी। और लाला जी नहीं चले गए हैं बाहर कहीं किसी से मिलने के लिए, लकी है मेरे पास। ये देखिए लकी है, ये भी भूजा खाएगा और हम दोनों खा लेते हैं भूजा। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज सुबह सुबह हम तैयार हो गए हैं और सारा साफ सफाई हो गया है देखिए। और आज मैं एक रेसिपी शूट करूंगी। खेत में ना बहुत सारा चौलाई का साग हुआ है, लाल भाजी साग, उसका आज हम एक रेसिपी आप लोगों को बना के दिखाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम चलेंगे खेत में। उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं सुबह सुबह ही सब पूरा साफ कर लिए थे हम और लाला जी मिल के, पूरा ये जितना भी ये झाड़ू वाड़ू लगाना। और चाय बना रही हूँ, तो आप लोगों को हमारे न्यू फ्रिज के पास वेलकम है। ये देखिए ये रहा हमारा न्यू फ्रिज। अभी हम इसका सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये घर पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा कोई पता नहीं है। अभी हो सके तो ये घर पे भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लक्की बोल रहा है कि लक्की बोल रहा है कि यहीं पे रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बार बार मिर्ची अदरक जो भी निकालना होता है। और घर पे रखिएगा तो घर पे जाना पड़ेगा बार बार आपको, तो वो भी सही बोल रहा है। देखते हैं क्या करते हैं हम और कहाँ रखते हैं इसे। तो अभी फिलहाल ना इधर रखा हुआ था, इधर रखा हुआ था तो फिर इधर आने जाने में दिक्कत हो रही थी गेट के तरफ से। फिर इधर अभी सुबह सुबह ही दादाजी कर दिए हैं, तो इतना इसमें स्पेस नहीं है। ये ढक जा रहा है, ये जो स्लेब बनवाई हूँ ना तो ढक जा रहा है। तो ये ना टुकड़ा 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 बचा था, जो घर वाला किचन बना था ना उसी में से टुकड़ा टुकड़ा बचा था ये। तो मैं सोची कि यहाँ पे लगवा दे रही हूँ, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और अच्छा भी लग रहा है। और वही हाल है इन टाइल, जो टाइल है ना ये टाइल भी टूटा 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 कई तरह का, बाथरूम में का वॉशरूम में का बचा था। और ये सामने वाला देखिए कैसे फूट टूट के फूटा टूटा है, देख रहे हैं? फिर भी इसको हम ज्वाइन करके लगवा देते, ऐसा वाला बहुत सारा फूटा टूटा निकला था तो इतने दूर में मैं लगवा दी। ये भी देखिए, ये सामने से देखिएगा तो ये भी बिल्कुल क्रैक है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल, इसको भी हम सवारत करवा लिए। सुबह सुबह चाय बना दी हूँ, तो मैं अपने लिए लाला जी के लिए चाय बनाई हूँ। लक्की तो पीता नहीं है लेकिन बोलूंगी थोड़ा सा पी ले आज।
तो ये दो कप चाय है, इसी में से लकी को बोलूंगी थोड़ा सा पी ले। और अपना फेवरेट बिस्किट मंगाई हूँ। मम्मी आज क्या बनाओगे? आज बता दी हूँ क्या बनाने वाली हूँ। बता दी हो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हो गया भूरी? भूरी गुड मॉर्निंग। अब भूरी ने मुझे बिस्कुट लाते हुए देख लिया तो बोल रही मुझे भी दो। हाँ जैकी, ए जैकी, क्या जैकी हो? कोई फायदा नहीं है। हाँ भूरी दूसरा बिस्कुट खाएंगे, ठीक है? ये वाला नहीं, ये वाला। सभी से बात सुनवा रही है मेरे को। कोई भी नहीं भूरी, गलत बात नहीं नहीं। आवाज निकलती है कि अपने जा रही है। मिलेगा भूरी, बैठो। चल वो वाला बिस्कुट खा गया, वो वाला मत दो मम्मी। वो वाला कहाँ गया? मेरी लाइट नहीं है, खत्म है। तो भाई जा रहा हूँ मैं बिस्कुट लेने, क्योंकि हम मम्मी खाएंगे और फिर यार चाहे कोई भी हो यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि कोई देखता है तो, और ऊपर से तो भूरी है, चूचा करेगी तो इसीलिए। भूरी भूरी आ आ ले जैकी, ओ जैकी ले। अब दोनों को अलग अलग देना पड़ता है भाई, नहीं तो लड़ाई हो जाती है। चलो मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर भाई पापा चौलाई का साग काट रहे हैं और मम्मी रेसिपी भी बनाएंगी चौलाई के साग की। और कल रात में पापा ने ये पूरा बंडल बनाया रस्सी का, इसका खटिया बिना जाएगा है ना? उधर लहसुन सुखा रहे हैं। लहसुन तो सूख ही रहे, तो कल से कल दिखाया था चौलाई। हाँ दिखा ये इतनी सारी चौलाई है, सूख के इतनी सी हो जाएगी जब बनेगी तो। चलो सब बैठे बैठे चाहिए मम्मी को है, थोड़ा सा मेहनत नहीं करोगे मम्मी? परेशान करो है। चलो मम्मी, इसका लाल कलर भी होता है ना? खेत में है, खेत में है। चलो वो भी दिखा दूंगा। और ये आपको जो रेड रेड कलर का दिख रहा है यही है भाई लाल वाला चलाई वाला साग, लाल भाजी साग, लाल भाजी साग। हाँ। और हरा वाला वहाँ पर है। हाँ। और मम्मी भी आ गई है। हाँ। और मम्मी की वीडियो शूट करनी है। खूबसूरत लग रहा है ये लाल भाजी साग, ये ना बीज के लिए छोड़ा गया है। ये जब इसका बीज तैयार होगा ना फिर खूब सारा बीज हो जाएगा, तो अगले साल खूब सारा और होगा लाल भाजी साग। और यहाँ पर बाबा जो खेत वेत में घास वास है वो सब निकाल रहे हैं, और बाकी इतनी सारी पन्नी वन्नी निकली है और पत्थर वत्थर निकले हैं। और यहाँ पर मम्मी रेसिपी की तैयारी कर रही हैं। और ये बताना वॉल कैसी लग रही है आपको? चौलाई का साग बना रही हूँ दोस्तों, लाल भाजी साग, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। ले भाई, गर्मी में सभी को प्यास लगती है यार, तो बहुत गर्मी है यार। मम्मी ने खाना बना दिया है, अब खाना वाना खा लेते हैं। और पीछे दोबारा गाना बजना शुरू हो गए हैं तो अब रेसिपी शूट नहीं होगी। मम्मी ने बनाया है लाल भाजी का साग, और गर्मियों में रेसिपी शूट करना यार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रेसिपी चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो भाई गर्मी में ना
ना ही बनाए, सर्दियों से बनाए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और हम तो वैसे ही ओपन में बनाते हैं, कोई पंखा वंखा नहीं होता है तो और ज्यादा गर्मी लगती है। अब भाई हम खाना खा लेते हैं और मम्मी भी यहाँ पर आ गई है ना मम्मी, और उसके बाद मैं खाऊंगा तूत। तूत बहुत ही काले काले हो गए हैं, ललित भाई देख ले फटाफट आ जाए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे सारे। तो भाई खाना वाना खा लिया है और मम्मी बर्तन वर्तन धो रही है, और जकिया को भी रोटी दे दी थी। देखो एक रोटी उधर लेके चला जाता है, एक रोटी इधर लेकर आ जाता है, यही खुद चैन से नहीं खाता है, ठीक है। और इसकी मैया सोई हुई है, भूरी खा ले। पूरी दोपहर पर आराम करे, और फिर से आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, वीडियो बनाने वाली जगह पे। 12 नहीं तो 1 बजे करीब हम चले गए थे और अभी 4:30 हो चुके हैं, और भाई अभी भी धूप, मतलब धूप तो कम हुई है पर जो उसके इफेक्ट से गर्मी रह जाती है एनवायरनमेंट में, वो है अभी भी, कह सकते हो ह्यूमिडिटी, ठीक है। और भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये भगवान थोड़ा सा मई जून के लिए बचा के रखो, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी हमारे लिए। मम्मी अभी ये परवल की सब्जी बनाएंगी, ये परवल की सब्जी बनाने के लिए मम्मी सारा सामान वहाँ निकाल रही हैं, और इस तरीके से हमने बचा रखा है क्योंकि यहाँ पे धूप आती है ना, इसको कवर कर रखा है इस तरीके से कि धूप ना आए इस चूल्हे पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं रेसिपी इतने पे शूट करता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो मम्मी यहाँ बैठेंगे तो इतने पे बस, मेरे मोस्ट ऑफ 2 एंगल रहते हैं, नहीं तो एक ऊपर से हो जाता है, ज़्यादा एंगल मैं लेता नहीं हूँ। थोड़ा स्टेबलाइजेशन के लिए सोच रहा हूँ कि कुछ मंगवाया जाए कि जिससे वीडियो में आने में हेल्प हो, अच्छा रहता है, उसी के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो भाई मेरे को देख के अंदाजा लगा सकते हो कितनी गर्मी है, और अभी तो मम्मी ने चूल्हा भी नहीं जलाया है, रवि से भी भाई पूछो मत। 5 बज गया है दोस्तों, बताओ यार, और बहुत पसीना आ रहा है यार, अब मुझे लग रहा है गर्मी की आदत मेरी खत्म हो गई है, मुझे बनानी पड़ेगी यार। एसी में रख रख के मेरी मम्मी मुझे बिगाड़ रही है। मम्मी तो मेरा काम है, देखिए लोग बोल रहे हैं क्या, लोग बोल रहे हैं क्या, एसी में रहने वालों को क्या पता लगेगा गरीबी का, ऐसा नहीं है, हम सब दिन झेले हैं, हर दिन को हम झेल के आए हैं, और हम एसी में नहीं रहते हैं, हम तो एसी मड़ाई में दिन भर रहते हैं। वो तो बहुत सच है भाई कि हम एसी में नहीं रहते हैं यार। वैसे तो मैंने एसी किसी और काम के लिए लिया था, कभी नहीं नहीं मेरे लिए ही लिया था, लिया तो मैं आपके लिए ही था, ठीक है, पर उस टाइम हम 5 लोग एक ही रूम में रहते थे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी ना मम्मी, तो भाई वहाँ पे मतलब ना आपको पंखा लगाने की जगह थी ना कूलर लगाने की जगह, तो इसी वजह से, ठीक है, और वो भी मैंने मेरे भाई ने मम्मी से खुजली हो गया था ना पूरे शरीर में मेरा, तो मम्मी से बिना पूछे हमने मंगवाया था। कोई नहीं यार, एसी तो है भाई, उतना काम भी करता हूँ यार मैं। एक दिन के लिए कैमरामैन हायर करके देखो, आपको पता चलेगा कितना चार्ज सुविधाएं दिखती है। अरे कोई नहीं, लेकिन उसका स्ट्रगल नहीं दिखता है कि कितना स्ट्रगल भाई किया देखो है। अगर कोई रातों रात कुछ कर लेता है तो ये नहीं कि बोलते नहीं लोग रातों रात अमीर हो गया, भाई उसके पीछे कितनी रात बर्बाद हुई है किसी को नहीं पता होता है ना मम्मी। सारा सच्चाई आपको धीरे धीरे करके मिलेगी। अरे ठीक है, मौसम तो भाई बहुत गर्म होता जा रहा है, आज जाते ही नहाऊंगा भाई पहले। सच्चाई सुन तो आप लोगों को हम अपना मेहनत भी और अपना जर्नी भी दिखाएंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ में है, तो बस हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। मतलब एसी यार मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी चीज रह गई है आजकल के टाइम पे, बहुत पसीना आ रहा है क्या बताऊं। अभी तो मम्मी ने चूल्हा भी नहीं जलाया है, बिना चश्मे के देख लिया भाई देखो, मतलब जब हमने ना, अच्छा दिल्ली में हमारे पास एक एसी है, स्प्लिट एसी है, ठीक है, और मैं हमने अमेजोन से इसलिए लिया था ना कि डिस्काउंट भी चल रहा था, ठीक, और काफी सारे यार अपना भी हो गया कि हाँ, फिर जब गांव में एसी लगा रहे थे सब बोले अरे गांव में एसी बहुत लोगों के घर पे है, ठीक है, हमारा पहला एसी। हाँ हाँ मतलब है भाई, तो मैंने कहा कि यार क्या हो गया, कोई नहीं, अब तो बढ़ता जा रहा है, खूब सारा बढ़ गया। नहीं मतलब भाई देखो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना मम्मी, है ना मम्मी।
अब मेरा मन करे मेरे को हवाई जहाज खरीदने का मन कर रहा है। तो वो नहीं खरीद सकते ना मम्मी, वो नहीं खरीद सकते ना मम्मी। हाँ है ना, 10 रुपए वाला खरीद दूंगा मम्मी, दोनों साथ में चलाएंगे। बोलो ठीक है। बाबला है। हाँ मन तो बाबला है जी, मन तो बच्चा है जी। मम्मी कब तक परवल बनाओगी यार, देखो इतनी गर्मी लग रही है, देख रहे हो मेरा हाथ देखो यार। यहाँ नहीं रहा था वीडियो शूट करने, मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ कि मेरे को परवल मंगवा कर रखी हूँ दादाजी से। और अपना हाथ देखो, कहाँ देख रहे हो हाथ, देखो मेरा हाथ में तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि मम्मी आप ओवर टाइम में कहीं। हाँ तो खेतों में काम करती हूँ ओवर टाइम में, जितना भी हमारे पास खेत है उसी में काम करती हूँ। सारा अभी अनाज सारा क्लियर करी हूँ, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। भाई फिर सही हुआ मम्मी, हमने ना सर्दियों में घर बनाना शुरू करा था। इस टाइम नहीं, नहीं तो इस टाइम तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। और पापा उस तरफ बाल वाल मतलब वो दाढ़ी वाड़ी बना रहे हैं, बना रहे घर ही में बनाते हैं, देख लीजिए कितनी रईसी है हमारी। और पापा का भी रेसिपी छूट है, इसीलिए पापा दाढ़ी वाड़ी मूछ उछ बना रहे। पापा आपके बाल पक रहे हैं धीरे धीरे। हाँ मूछ तो बहुत ज्यादा मूछ पक रहे हैं ना, किसी दिन कलर कर दोगे। और यहाँ पे भाई देखो कितना गड्ढा हो गया यार, आज पानी डाला है ना इसमें, और बहुत धींगा के पानी डाला है क्योंकि यहाँ पे ना धस रहा था, तो इसीलिए बहुत पानी डाला है हमने बहुत। ये देख रहे हो, ये देखो मेरा पैर देखो कितना धस गया, देख रहे हो। तो एक बरसात के बाद, एक दो बरसात के बाद ही जमीन अच्छी हो पाती है। तो 5-6 टेलर मट्टी इतने में लग गई, और हमको लग रहा था कि कितनी लग जाएगी ना मम्मी, पता भी नहीं लग रहा, पता भी नहीं लग रहा। देख रहे 5-6 टेलर मिट्टी है, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि पूरा घर भर जाएगा, और यहाँ तक भी नहीं हो पाया। चलो जितना हुआ हमारा भाई अच्छा ही हो गया। यहाँ पर पापा अचार बना रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे आम आम काट रही है। एक रेसिपी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, बस आधे एक घंटे का और समय है, उसके बाद लाइट गॉन। तो भाई रात हो गई है, और अभी तक रेसिपी भी कंप्लीट नहीं हुई है। दिल्ली के मुकाबले काफ़ी जल्दी यहाँ पे रात होने लग जाती है। अभी दिल्ली में उजाला ही होगा, यहाँ पर भाई एकदम पूरा रात जैसा फील आना शुरू हो जाता है। और मम्मी देखो तेज जल रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे आके गैस कम कर दी है। गैस है भाई, गैस ही है मम्मी हमारा। उतरना यहाँ पर अभी परवल का भरवा बन ही रहा है। आओ मम्मी बन गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी भाई आराम से मस्त सो गई है, इस पर सो जाते ना इससे बढ़िया। तो अभी भी पापा ले आए मेरे, अच्छा कुछ हो गया। क्या हो गया, बीमार हो गए? कैसे बीमार हो गए, दो वीडियो बना के बीमार हो गए आज। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी तो है मम्मी। पानी गिराए हैं, हजमोला दिए हैं पापा। अच्छा दे, पंखा लो, उठो ना चलो ना, खा के फिर सोना ही मम्मी। आओ नहीं खाओगी, खा लो आओ। भाई देख के लगने ना कि जबरदस्ती काम कराता हूँ मैं मम्मी से। और मेरे को लेकर आई थी, बोल रही थी कि चल वीडियो बनानी है, मैंने कहा चलो चलो मम्मी उठ जाओ, सर्विंग अर्विंग कराओ यार, मम्मी को नहाना वाना भी है यार। अब मुझे क्या पता कि मेरा तबीयत खराब हो जाए, कोई नहीं ठीक भी हो जाएगा। चलो आओ, भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मैं नहीं उठाने तक का, तो मतलब उठा के तुम्हें भेजना पड़ता है वहाँ पे। अब ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करते हूँ। चलो देना बाबा हाथ, वहाँ से टूट ना जाए। भाई नहीं टूटेगा तो बजे में लगा सकते। हाँ हाँ मम्मी आराम आराम से उठा रहे, देख नहीं रहे, लेट गई है पूरा। मम्मी इस पे सो जाते हैं, सोफा बना रखा आपके लिए। अचानक से मेरा तबीयत खराब हो गया, तो घर पे चल के सोते ना, ऐसे जमीन पे क्यों लेट जाती हो? जमीन से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ हाँ यहाँ पे रेसिपी एंड हो चुकी है दोस्तों। ये मैं उठ के आके सर्विंग कर दी हूँ। वीडियो शूट के दौरान बहुत कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सुनो तो खाना खा लेना फिर सो जाना। खाना खाने का मेरा मन नहीं, पापा तो दही खा लो, दही खा लो मम्मी, पापा को देती हूँ, पापा दही खा लो ठीक है। परवल का भरवा बना के रख लीजिए, जब मन करे तब खाइए, फ्रिज है तो और मजा है। तो घर में तो फ्रिज अब आ गया है, उसमें रखा जाएगा। पापा यही लाइट जला लेते, नहीं जलेगा
कीड़े उड़ रहे थे ना वो। अच्छा 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 यहाँ पे भाई खाने की तैयारी हो रही है। तो मम्मी पापा ने तो हाथ धो लिए थे और मैं रह रहा हूँ, मैं हाथ वहां धो लेता हूँ और फिर खाना खा लेते हैं। उसके बाद खाना, चलो खाना खाना खाने के बाद सो जाएंगे। मेरा तो मन नहीं कर रहा खाने का, मैं बस बैठी हूँ। कोई ना, एक दो रोटी दही खा लो मम्मी, कम से कम दही खा लोगे तो ठीक रहेगा। चार चम्मच सलाद खा लो, ठीक रहेगा। खाती कुछ नहीं हूँ दोस्तों, खाली देखने का खट्टा खट्टा। ओहो क्या गेहूँ चावल इनका दादा खा जाए। मेरे दादा जी आते हैं खाने के लिए गेहूँ चावल। 5 किलो आटा में 10 दिन चलता है, आपका चलेगा बताइए। आदमी कितना है? 3 आदमी है। तो यहाँ पर हमने खाना दे दिया है और पहले यहाँ पे छोटंकू खाएगा, फिर भूरी खा लेती है बाद में, है ना भूरी? गुड नाइट भूरी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जितनी बार गुड नाइट बोलो उतना जीव निकाली। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो भाई मुझे हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा लग रहा है।